अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करने वाले पाकिस्तान के नामवर लोक गुलूकार शौकत अली अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त सोग है और उनके लाखों मदा गमज़दा हैं। गुलूकार शौकत अली पिछले कुछ अरसे से जिगर के आर्जा में मुबतला थे और लाहौर के हस्पताल CMH कम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी था। जिगर ने काम करना छोड़ा तो तबीयत बिगड़ने पर तशवीशनाक हालत में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड ICU में भी दाखिल कराया गया, लेकिन वो नहीं बच सके। शौकत अली की गायकी के कैरियर पर गहरी नज़र रखने वाले लोग कहते हैं कि शौकत अली की मौत से पाकिस्तान में लोक गुलूकारी के एक अहद का खात्मा हो गया है और लोक गुलूकारी के शोबे में शौकत अली की मौत से जो खिला पैदा हुआ है वो पूरा नहीं होगा। इज्जत दी कि मुझे एक प्रोग्राम में प्रेजिडेंट अयूब खान साहब ने सुना, क्योंकि हम एयरफोर्स नेवी और जितने भी फोर्सेस थी वहाँ जाके सेक्टर्स पे काम करते थे, प्रोग्राम करते थे, उसमें सारे आर्टिस्ट थे। तो मुझे जनरल साहब ने पूछा वो अपने अंदाज में ना अपनी इतनी आवाज़ कैसे करते हो तो मैंने कहा जनाब ये उस पाक जात का एहसान है जिसने ये आवाज़ दी है, और मेरी आवाज़ तो है ही ज़मीन के लिए। मैं कहता हूँ मैं सारी ज़िंदगी इस मुल्क के लिए गाता मरूँ, और अल्लाह की ये करमनाजी है कि मेरे बेटे, बड़ा बेटा अली इमरान है और मेरा बेटा अली अमीर है, और छोटा बेटा जो इस वक्त कनाडा में है वो शेर बेटा है मेरा मोहसिन। मरहूम शौकत अली ने सूफियाना कलाम और पंजाबी गानों के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मोहम्मद बख्श का कलाम गाकर उन्हें बेपनाह शोहरत मिली और उन्होंने उर्दू में भी कई मशहूर गीत गाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 1990 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा जा चुका था। शौकत अली के साथ ही फोक सिंगिंग का एक ज़रीं अहद अपने इख्तिताम को पहुंच गया।
जमाने से मनवाएंगे साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे साथ है मर्दों जन सर से बांधे कफन साथियों मशरकी पंजाब भारत के आर्टिस्ट मंजीत सिंह गिल ने गुलुकार शौकत अली का मुजस्मा कर लिया तैयार कर लिया जिसे जल्द भारतीय पंजाब की शाहरा पर नसब किया जाएगा। मंजीत सिंह गिल भारतीय पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान और भारत के अजीम अफराद के मुजस्मे बनाते रहते हैं। उन्होंने इंसानियत के सबसे बड़े खिदमतगार और मशहूर समाजी कारकुन अब्दुस्सत्तारेधी का भी मुजस्मा तैयार किया था। आपने फ़ाइन आर्ट की तालीम गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज चंडीगढ़ से ली। इस हवाले से उनका कहना है कि मुजस्मे तराश कर उनके मन को बहुत ही शांति मिलती है।